नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आभार अभिनंदन, जोहार, केम छो, सत श्री अकाल, जय भीम और जय श्री राय। साथियों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है। सच्चे लोग तारीफ के मोहताज नहीं होते, सच्चे लोग तारीफ के मोहताज नहीं होते, क्योंकि असली फूलों पर कभी भी परफ्यूम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वीडियो का आखिरी तक बने रहें, आज देखना है कि कौन सा सांप हम रेस्क्यू करते हैं। पहले हाथ मिलाइए भाई। तो सांप निकला है। अच्छा 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 अच्छा, सांप निकला है। रुक जाइए थोड़ा, गाड़ी को बढ़िया से हमको स्टैंड कर दो। साथियों, गर्मी बढ़ रही है और अधिनिर्मित मकान में सांप देखा गया। कहाँ पर है? सीढ़ी रूम में है। वालेकुम। बहुत डेंजर सांप। डेंजर है? डेंजर, पूरा डेंजर सांप। चलिए देखा जाए। आइए आइए, आप भी आइए। लोग वाच कर रहे हैं ना। कहाँ पर देखे हैं सांप? देखे भैया, सफाई कर रहे थे, निकला। कहाँ पर निकला? सीढ़ी के नीचे। सीढ़ी के नीचे? अरे उधर उधर उधर, रुकिए रुकिए रुकिए, ये होशियारी से धरना होगा। ये बैंडेड क्रैथ है, ये बैंडेड क्रैथ है। ये पहले हमारा बैग आप लोग पकड़ लीजिए और कैमरामैन इधर आ जाइए। हाँ चलिए, बाहर चलिए। ये बैंडेड क्रैथ है। ये किंग कोबरा क्या? नहीं 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 नहीं, किंग कोबरा नहीं है। इस सांप का नाम है बैंडेड क्रैथ। डरिए मत, आप लोग इधर आ जाइए, मेरे साथ इधर आ जाइए। ध्यान से देखिए, ये पीला काला है ना। हिंदी में इसे राज सांप, बंगला में खास करके शाखा मोती, और इंग्लिश में इसे हम लोग बैंडेड क्रैथ कहते हैं। अब धीरे धीरे सांप निकलना शुरू हो गया है, हैं? और ये बहुत शांत प्रवृत्ति का सांप है। इधर आइए, आप आइए, आप लोग भी इधर आइए, पीछे आइए। ये बहुत शांत प्रवृत्ति का है, लेकिन मेरा जैसा फ्री हैंडलिंग ना करें। मेरा जैसा, यहाँ यहाँ पकड़िए, मेरा जैसा फ्री हैंडलिंग ना करें कभी भी। देखिए, ये शांत है इसीलिए हम इसका मुंह धर लिए, लेकिन रसल वाइपर का कभी भी छूने का कोशिश ना करें, कोबरा को छूने का कोशिश ना करें। हर दिन इंडिया में दो चार मौत होते रहते हैं। हम अगर फ्री हैंडलिंग कर रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप भी जाकर के पकड़ लिए तो क्या होगा, इससे जान जाने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। और हम चाहते हैं कि अभी तक 7 से 10 बार ये जो हमारा मामा का बेटा है, ये पकड़ पकड़ करके सांप देता है। इसको इसको पकड़ो, इसको सिखाने से क्या होगा ना, इस काम को और बढ़ावा मिले। जैसे कि बहुत सारे लोग मार देते हैं, तो बचाव हेतु हमको बुलाए करके नहीं, इसको सामने है तो इसको बुलाएगा, तो ये काम को क्या होगा, रोटेशन बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे खास करके 10-20 किलोमीटर दायरे में आसपास पड़ोस के लोग सांप मारना ही बिल्कुल बंद कर दिए। इसका सर नहीं 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 नहीं, आप आइए इधर आइए, इस साइड आइए, आइए आना ही होगा आपको। इसका जो जन्म है ना, हाँ, इस सांप का, हाँ, इसी तरह का ही होता है। अच्छा अच्छा, नहीं, बहुत सा आदमी बोलता है कि पूंछ टूटने का मतलब उसका जहर ज्यादा है। नहीं नहीं, बिल्कुल भरम है। हाँ, इसका अक्सर लड़ाई क्या है, चूहा से। अच्छा, यार ऊपर से ये जो सांप है ना, ये दूसरे सांप को पकड़ के खाता है। हाँ, और काफी जहरीला है, लेकिन शांत प्रवृत्ति के कारण आधिकारिक पुष्टि नहीं है इंडिया में इसके काटने से कोई लोग डेथ किया है। इसको छोड़ दीजिए, झटका में छोड़िए, ये जल्दी काटता नहीं है। अगर रसल वाइपर होता तो अब तक तुरंत काट लेता, कोबरा होता तो तुरंत काट लेता, लेकिन इसका कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इसका जो सेफ है, ध्यान से देखिए, त्रिभुज आकार का, तीन कोना, रियर स्पेसिस। अब सांप साथियों निकलना शुरू हो गया है, तो हम लोगों से, तमाम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि ये पर्यावरण मित्र को मारे नहीं, बचाने का प्रयास करें। तो साथियों, इन्हीं साथ शब्दों के साथ, बेटी है तो देश है, बेटियों की सुरक्षा, देश की सुरक्षा। जय हिंद,
जय भारत। और एक बार सर गर्व से हम कहेंगे वंदे मातरम। वंदे मातरम।